मैडम जी मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? अरे जब तू अंदर आएगा है तो फिर तू पूछ क्यों रहा है? चलो बैठ अपनी अपनी जगह पे। अच्छा ऋतिक चलो ये बताओ कि बिजली कहाँ से आती है? वो मैम मामी की यहाँ से आती है। वो कैसे? अरे मैडम जी जब कभी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने बिजली काट दी। और ट्रेविश हाथ दिखाओ अपना हाथ। मामी के यहाँ से आती है बिजली? हाँ मामी के यहाँ से आती है। थोड़ी सी दोगी तुझे। अल्लाह मर गया। आई आई रे अल्लाह। कल याद करके लाओगे कि नहीं? मैडम जी कल याद करके लाऊंगा। हाँ ले करना ना बिल्कुल अच्छे से। कल याद करके लाओगे कि नहीं? हाँ मैडम ले आऊंगा। चलो कपिल मैं तुमको दो वाक्य देती हूँ, इनमें अंतर बताना। उसने बर्तन धोए और उसको बर्तन धोने पड़े में अंतर बताओ। मैडम जी पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है, दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। अच्छा तो विवाहित। चलो इधर आओ कपिल, खड़े हो इधर आओ। पीछे देखो बैठो बैठो चुपचाप से। मैडम जी हमको एक नंबर जाना है। जाओ जल्दी होकर आओ। हे भगवान ये क्या हो गया बच्चों को? तुम्हें कहाँ जाना है? मैडम जी मुझे एक नंबर जाना है। जाओ अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैडम जी हमको एक नंबर जाना है। जाओ खाओ खाओ खाओ। अरे तुम लोग ये क्या करने लगे हो? ये क्लास है ये चिड़ियाघर? इसको तुमने अपना घर समझ रखा है क्या? बैठो चुपचाप चलो आओ बैठो चुपचाप से सबके सब। बहुत मक्कार हो गए हो ना तुम। चलो मुर्गा बनो। मैडम जी मुर्गा मत बनाओ, सब देख रहे हैं। वैसे ही तो आपने मेरे गाल नोच ले, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा हो गया मैडम आप मुर्गा बनवा रही हो। बनो चुपचाप वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी मैं। दांत मत तोड़ना वरना मुर्गा नहीं बन पाऊंगा। मुर्गा बनते हो कि नहीं? चलो उठो बनाओ। हाँ बनता हूँ मैम बनता हूँ। चलो बच्चों आज कुछ ऐसा सुनाओ जिससे मेरा मन खुश हो जाए। कौन सुनाने वाला है तो फिर ऐसा? मैम मैं सुनाऊँ? मोटा मरता मोटी पे और गरीब मरता रोटी पे। मैडम जी की तीन बेटी है, मैं तो मरता चोटी पे। मैडम जी का मन खुश कर दिया तूने। मैडम जी लगी तन बदन में आग। तुमने भी मारी, तुम भी कम नहीं हो। अरे मैडम जी ये गाल पे और इसे भी लो, लो, लो। मैडम ये क्या और? ये लो। चलो बच्चों मैं तुमको एक वाक्य देती हूँ, उसका हिंदी मतलब बताओ। काल करे सो आज करे सो अब, पल में पड़ना होगी भौरी कहेगा कब। मैडम मैं बताता हूँ इसका मतलब। कल खेले सो आज खेले सो अब, जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो पबजी खेलोगे कब। चुप रहो तुम सबके सब, वरना मैं तुमको उड़ा डालूंगी बॉम्ब से। नहीं नहीं मैडम जी हमको नहीं उड़ना, हम जमीन पे ठीक है। तुमने उड़ा दिया तो हमारे पास पंख नहीं है नीचे आने को। हे भगवान। अच्छा तो कपिल तुम बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मैडम इसकी दादी नालायक। तो चलो बच्चों आज मैं तुमको बताऊंगी कि हमारे हाथों की उंगलियों के बीच में खाली जगह क्यों होती है। ऋतिक तुम बताओ हमारे हाथों की जो उंगलियां होती है उनके बीच में खाली जगह क्यों होती है? मैडम बीड़ी पीने के लिए। क्या भाई याद आंसर देते रहते हो तुम हमेशा? हाँ बैठो चुपचाप। बच्चों आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि इंसान क्या होता है। जैसे तो हमें पता ही नहीं,
मैम इंसान जो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। मैम सच्चाई जो है एग्जाम हॉल में ना आप इंसान बनती हो ना दूसरे को, ना दूसरों को बनने देती हो। जानवर कहें की जानवर बोलेगा मुझे तू? हाँ जानवर बोलेगा, चलो सभी के सभी बोलूंगा मैं। जानवर बोला मुझे, इतनी हिम्मत तेरी? हाँ इतनी हिम्मत की मुझे जानवर बोला। चलो सभी के सभी मरवा बनो, चलो बनो, बनो नहीं बनो। आज ना मैं तुम्हारी कोई क्लास नहीं लूंगी, जा रही हूँ मैं, कल लूंगी तुम्हारी क्लास। आ रही हूँ, मुर्गा बने रहना पूरी क्लास टाइम। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले पाठ में, हमको कमेंट करके दे भी बताएं कौन कौन पार्ट 2 देखना चाहता है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।